जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर नंबर 7 डी के गोयल सर की बुक से, उसमें अब तक क्वेश्चन नंबर 35 कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक जो भी क्वेश्चन हैं वो कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6 की मदद से इतनी आसानी से होंगे जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा लगेगा कि सर हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6 ही कर रहे हैं। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। क्या लिखा हुआ, ए हु होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच हैज पेड ओनली 25 रुपए पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। गाइस, यहाँ लिखा हुआ ए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं और 100 रुपए ईच वाले, उन्होंने सिर्फ 25 रुपए एप्लीकेशन के दिए, बाकी कोई भी पैसा दिया नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कॉल्ड अप क्या है और कितने रुपया है, तो हम क्वेश्चन की गिवन फेस वैल्यू को ही कॉल्ड अप कैपिटल मान लेंगे। 200 शेयर का इनटू 100 में करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से। अब क्वेश्चन में ये नहीं पता कि अलॉटमेंट का पैसा कितना है, फर्स्ट कॉल का कितना है, फाइनल कॉल का कितना है, बट ये पता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा जाता है जो मिल गया होता है और यहाँ सिर्फ 25 रुपया ही मिला है। किस चीज़ का, एप्लीकेशन अकाउंट। तो 25 रुपये एप्लीकेशन मनी का 200 इंटू में कर देंगे तो 5,000 रुपये आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में और 15,000 रुपये आ जाएगा शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। बीइंग 200 शेयर्स फॉरफीटेड ऑफ रुपीज 100 ईच, 200 शेयर फॉरफीट कर दिए 100 रुपए वाले। इसके बाद बी हु होल्ड्स 300 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, अगेन बी के पास 300 शेयर्स है कितने रुपए के, 100 रुपए वाले। अगेन हमें कॉल्ड अप वैल्यू पता नहीं है, 300 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 रुपए। हैज पेड 25 रुपए पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 30 रुपए पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, मतलब 25 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए भैया ने और 30 रुपये दे दिए अलॉटमेंट, मतलब 55 रुपये इन्होंने दे दिए, तो जो नहीं दिए वो है आपके शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। दैट इज 55 रुपये दिए हैं तो शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे, जो पैसे मिल जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, याद आ रहा होगा कुछ कुछ कि सर एप्लीकेशन का पैसा तो दिखेगा ही दिखेगा हर बार फॉरफीचर में, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का डिपेंड करता है, मिल गया है तो आएगा और नहीं मिला है तो कॉल्सिनेटर में जाएगा। 25 और 30 55 इंटू 300 16,500 रुपये इधर आएगा और 45 रुपये के हिसाब से 13,500 इधर आ जाएगा। बीन 300 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 रुपये वाले 300 शेयर फॉरफिट कर दिए। आफ्टर दैट सी हु होल्ड्स 400 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, अब सी के पास 400 शेयर्स हैं कितने रुपए के, 100 ईच के, जिन्होंने 25 रुपए पर शेयर ऑन एप्लीकेशन दिया है, 30 रुपए पर शेयर ऑन अलॉटमेंट दिया है एंड 20 रुपए पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल दिया है। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर शेयर कैपिटल कर देंगे डेबिट, टू शेयर कॉल्स इन एरियर कर देंगे क्रेडिट। सर कॉल्स इन एरियर की जगह हम यहाँ फाइनल कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमें 25 और 30 55 और 20 75 75 रुपया तो मिल गया है, बचा हुआ फाइनल कॉल ही होगा, हमें जानकारी नहीं है तो हम उसको मानेंगे कि जो नहीं मिला है वो कॉल से नेरियर है और जो मिल गया है वो शेयर फॉरफीचर है। मिला कितना है, 25 और 30 55 और 20 75 75 रुपीज़ मिला है। 400 शेयर इंटू 100 40,000, 400 शेयर इंटू 75 30,000, बचा हुआ 10,000 बैलेंसिंग फिगर कॉल से नेरियर। बीन 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ रुपीज 100 ईच, 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ रुपीज 100, दे फेल टू पे देयर अरियर्स एंड द फाइनल कॉल्स,
द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 96 पर शेयर। सारे के सारे शेयर फॉरफिट कर दिए गए और इनको री इशू किया 95 पर शेयर में। गाइस बताना शेयर कितने रुपए वाला था, 100 रुपए वाला, ठीक है, मतलब जैसा था वैसा बेचा, जैसा था वैसा बेचा। शेयर कितने रुपए वाला था, 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला शेयर था, पर बेचा कितने रुपए का, री इशूड एट, याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ री इशू के कॉन्सेप्ट में सिखाया था। बैंक अकाउंट जब डेबिट होगा तो कितने रुपए से होगा, 95 रुपीज से, और कितने शेयर से जितने री इशू है, 100 यहाँ थे, 200, 300, 500, 400, 900 शेयर है, ठीक है। शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा कितने रुपए से, जैसा था वैसा बेचा, जितने थे उतने बेच दिए, 40, 30, 70, 20, 90। शेयर कितने वाला था, 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, सारे के सारे शेयर बेच दिए, 300, 200, 300, 500, 400, 900, तो कितने रुपए हो गए, 90,000 रुपीज के, 90,000 4, 3, 7 और 2, 9, हाँ, और 95 × 900 शेयर के आएंगे, 95 × 45, 99 × 81 और 81 और 4, 84,500 रुपीज के बेचे। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके पास, रेड पेन नहीं है मेरे पास, बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी किस नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर से कितना आएगा, 41,981, अच्छा 85,500 आएगा, और यहाँ आएगा 4,500 रुपये, 4,500 रुपीज़ आएगा शेयर फॉर फ्यूचर का, दैट इज लॉस ऑन री इशू बीइंग 900 शेयर्स री इशूड एट 95 पर शेयर, अल्टीमेटली ये फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, पर शेयर 100 रुपए वाला था यहाँ पर, जैसा था वैसा बेचा, जैसा था वैसा बेचा। अब क्योंकि सारे के सारे शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं तो हमें बैलेंस और री इशू कर दिए गए, हमें शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, सर यहाँ दो केस चलते थे, अगर आपने सारे के सारे शेयर बेच दिए तो डायरेक्ट क्रेडिट में से माइनस डेबिट कर दो, क्रेडिट कितना है 5,000 और 16, 21,000 और 30, 41,000 या 51,500 रुपये, और डेबिट कितना है 4,500, 51,500 में से 4,500 गए, 500 से 500 गए 47,000। बट अगर कुछ कम शेयर जाते तो हम फिर फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट क्रेडिट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ रीइशूड एज पर कॉन्सेप्ट नंबर 6 बीइंग। बहुत आसान क्वेश्चन था, पूरा और एक बार इलाबोरेट कर दे रहा हूँ, बीइंग अमाउंट ऑफ क्रेडिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन शेयर्स ट्रांसफर्ड टू, क्योंकि हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, डेली डेली नहीं होता, साल में कभी हो गया तो हो गया, जिंदगी में कभी हुआ तो हुआ, टू कैपिटल। अब बात समझना, हमने शेयर कैपिटल क्यों डेबिट किया, क्योंकि सर जब भी फॉरफीचर होता है शेयर कैपिटल डेबिट किया जाता है, कितने अमाउंट से किया जाएगा, जो कॉल्ड अप होगा, क्योंकि सवाल में इशू शेयर प्राइस लिखी है, फेस वैल्यू लिखी है, आगे कोई बात नहीं लिखी कि कॉल्ड अप क्या है, जस्ट लाइक इन सवालों में लिखी है, आगे बताऊंगा, इसलिए हम 200 का इंटू किसमें करेंगे, 100 का, मतलब हर बार सर शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 100 रुपये का इंटू कर, 200 शेयर है 200 का इंटू 200 × 100, 300 शेयर है 300 × 100 और 400 शेयर है तो 400 × 100। जो पैसा नहीं मिला होता वो कॉल सिनेरियर की बात होती है, जो मिल गया होता है फॉर फ्यूचर की बात होती है, या हमेशा जानकारी दी है मिले हुए पैसे की, हैज़ पेड ओनली, मैंने बताया था मिला है या नहीं मिला, ये कैसे पता करें, कैसे पता करें, याद आ रहा होगा कुछ, कैसे पता करें, सर याद आ रहा है, वहाँ लिखा होता था हैज़ बीन रिसीव्ड वाले, हैज़ बीन पेड वाले जो वर्ड होते हैं वो इशारा करते हैं मिलने की तरफ, हमेशा एप्लीकेशन में तो मिलेगा ही मिलेगा, हैज़ पेड ओनली 25 रुपये पर शेयर, तुमने शेयर फॉर फ्यूचर डाल दिया 25 रुपये के हिसाब से, 25 × 200, 5,000 रुपये, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई क्या आपकी, 15,000 रुपये, बैलेंसिंग फिगर सेम, बैलेंसिंग फिगर हमने जानकारी किसकी दी है, 25 और 30, 55, हमने सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस खुद से डाला है, उनके बारे में कोई बात लिखी, देन 400 शेयर × 100, 40,000 रुपये, फिर जानकारी किसकी दी है, 25 और 30, 55 और 20, 75 रुपये, 75 × 400, 30,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया आपके तीन तरीके के शेयर फॉरफिट। इसके बाद बात करेंगे दे फेल टू पे देयर एरियर्स एंड द फाइनल कॉल्स, इनके लिए इसके शेयर फॉरफिट कर दिए और री इशू कर दिए, क्योंकि कोई जानकारी नहीं दी कितने री इशू करें, तो हम 400, 300, 700, 200, 900, सारे के सारे 900 शेयर री इशू करेंगे 95 पर शेयर में।
री इशूड एट 91 पर शेयर, याद आ रहा होगा बैंक अकाउंट डेबिट करते थे और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर ज़्यादा कम पैसा लिया तो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, ज़्यादा लिया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 85,500 में, शेयर फॉरफीचर डेबिट करेंगे 4,500 में, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे 90,000। देन बचा हुआ बैलेंस ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे करेंगे, शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस है, क्योंकि सारे के सारे शेयर फॉरफीट करके रीइशू कर दिए गए, तो अमाउंट क्रेडिटेड माइनस अमाउंट डेबिटेड 5,000, 16,21,500, 30,51,500 में से 4,500 गए, 47,000 रुपये का बैलेंस चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन में ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर्स। मतलब ए लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं कितने शेयर, 100 शेयर, जिनका कॉल्ड अप वैल्यू क्या है दोस्त, कॉल्ड अप वैल्यू क्या है सर, ₹10 पर शेयर, क्योंकि सारे के सारे पैसे मांग लिए गए हैं। कौन सा पैसा मिला और कौन सा नहीं मिला है, ₹3 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला और ₹3 फाइनल कॉल का नहीं मिला है। मतलब शेयर कैपिटल जो डेबिट होगी वो ₹10 से होगी इंटू 100, शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट होगा वो मिले हुए पैसे से होगा, और शेयर कॉल सिनेरियो जो 3 और 3 6 रुपये से होगा, मतलब जो मिल जाता है वो फॉरफीचर में जाता है और जो नहीं मिला होता है वो शेयर कॉल्स इन एरियर में जाता है। हमें दोनों में से किसी एक चीज़ की जानकारी ऑलवेज देती है। पिछले वाले क्वेश्चन में फॉरफीचर वाले अमाउंट की, जो पैसा मिल गया था उसकी जानकारी दी थी, इस वाले क्वेश्चन में जो पैसा नहीं मिला है, 100 × 10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ₹1,000 से। फिर क्रेडिट होगा 2 शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कितने रुपए सर, 3 और 3 600 शेयर का इंटू कर देंगे 6 रुपये में, ₹600 का। फिर जो बचा हुआ पैसा आएगा दैट इज 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 × 4। कैसे सर, ₹1,000 डेबिट हुआ, क्या मांगा, सब मांगा, क्या नहीं मिला, ₹600 नहीं मिला, क्योंकि लिखा नॉन पेमेंट, हमने लिखा था पता कैसे करें याद करें, नॉन रिसीव्ड वाले अमाउंट में हैज नॉट बीन रिसीव्ड में ये आता था कि जो पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियो में आता था, और जो मिल गया है वो शेयर फॉरफीचर में आता है। बीइंग 100 शेयर्स फॉरफीटेड ऑफ ₹10, 100 शेयर ₹10 वाले फॉरफिट कर लिए गए, जिनका ₹1,000 मांगा था, 600 मिल नहीं मिला और 400 मिल गया। अब इनको रीइशू किया, ऑल ऑफ दीज शेयर्स पर रीइशू हैज फुल्ली पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। रीइशू कितने में किया दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट में। यहां पर याद रखना है आपको कौन सा पैसा आता है। ऑल ऑफ दीज शेयर्स पर रीइशू हैज फुल्ली पेड फॉर ₹10 पर शेयर, क्योंकि पहले से ही शेयर कौन सा था, ये ₹10 वाला। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो भी हम शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट करेंगे, ₹10। बट यहां लिख दिया उन्होंने फुल्ली पेड, इस वर्ड पर फोकस करना, शेयर कैपिटल हमेशा इस वर्ड पर फोकस करेगा, फुल्ली पेड, 8 पेड अप 7 पेड अप, और ये जो पैसा होगा ये बैंक अकाउंट के लिए होगा। तो यहाँ ₹1,000 के शेयर ₹1,000 में ही बेचे हैं, ₹10 का शेयर ₹10 का ही बेचा है, ₹10 वाला शेयर ₹10 में ही बेचा है, चाहे जैसे बोलो आप। यहाँ पर वो पैसा आता है जो रीशूट ऑब्लिक एट द रेट, यहाँ वो पैसा आता है जो फुल्ली पेड अप या 8 पेड अप 7 पेड अप दिखाता। बीइंग 100 शेयर्स रीइशूड एट 10 पर शेयर, 10 का शेयर 10 में, शेयर में प्रॉफिट कितना हुआ था, ₹400, और लॉस ₹1 भी नहीं हुआ क्वेश्चन में, और सारे के सारे शेयर रीइशू हुए, जितने फॉरफिट किए थे उतने ही रीइशू हुए, तो मतलब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तीन चीजें याद रखनी है, सबसे पहली बात शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो उसकी कॉल्ड अप क्या है, फिर क्या मिला और क्या नहीं मिला, उसके बाद जब रीइशू कर रहे हो तो वो जैसा था वैसा बेचा या पॉलिश कर उसे फुल्ली पेड अप करके बेचा। तो यहां तो पॉलिश करने की जरूरत ही नहीं थी, फुल्ली पेड था पहले से वो ₹10 वाला शेयर, अगर फुल्ली पेड उन्होंने लिख दिया है तो भी हम उसको मान लेंगे कि वो शेयर हमारा ₹10 से शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा।
क्योंकि शेयर रीइशू करने में कोई लॉस नहीं हुआ, शेयर फॉरफिचर कहीं डेबिट नहीं हुआ, तो हम सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट के नाम से, बीन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर क्रेडिटेड। ये प्रॉफिट साल में एक बार नहीं, वो सालों में कई बार होता, कई सालों में एक बार होता है, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं होता, ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब बात करते हैं बी लिमिटेड की, अब बात करते हैं बी लिमिटेड की। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। सबसे पहले आपको यहाँ रुकना, पूरी रामलीला पढ़नी ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फॉरफीचर कैसे हो सकता है, सर हमारे पास अवेलेबिलिटी हर चीज़ की, 400 शेयर ₹10 के हैं, फुल्ली कॉल्ड अप है, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 400 × 10 से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 × 10 दैट इज ₹4,000। टू शेयर कॉल्स इन एरियर, सर अगर हम यहाँ फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने पहले क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर यूज किया है, 400 × 3 से फाइनल कॉल नहीं मिला, बाकी सारा पैसा मिला है, हमें तो एक चीज की जानकारी चाहिए क्या मांगा क्या नहीं मिला, तो जो बाकी का बचा हुआ है वो हमें मिल गया होगा 4,000 डेबिट, 1,200 क्रेडिट, 2,800 रुपये यहाँ क्रेडिट होंगे शेयर फॉरफीचर के नाम से। बी 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। अब कहानी आ गई है, जब ये रीइशू हो रहे हैं तो सिर्फ कितने हो रहे हैं, 300, तो हमें जब भी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व करना पड़ेगा तो हमें यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 300 शेयर रीइशू हो रहे, याद करो सारे के सारे शेयर बेचे, रीइशू वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था कॉन्सेप्ट नंबर 6 में, सारे के सारे बेचे या कुछ कम बेचे, कम बेचे थे। व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड, जब सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशूड नहीं होते तो क्या कहानी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट 300 × 300 शेयर से, गाइस यहाँ सबसे बड़ी बात याद रखनी है क्या, 300 × मतलब नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स का इंटू होगा। अगेन बात यह है सर किस रुपये से होगा, 8 से या 10 से, तो फुल्ली पेड अप बेटा किसकी तरफ इशारा करेगा, फुल्ली पेड अप, 8 पेड अप, 7 पेड अप, 9 पेड अप, ये किसकी तरफ इशारा करेगा, सर ये इशारा करेगा हमें शेयर कैपिटल की तरफ, और ₹8 पर शेयर इशारा कर रहा है मैं बैंक अकाउंट की तरफ। सर हमेशा ऐसे ही होगा जी, आपको दो अमाउंट में से एक चुनने होंगे, एक आपका जाएगा शेयर कैपिटल में, मैंने पहले ही बताया था शेयर कैपिटल में कौन सा जा रहा है, फुल्ली पेड अप, 7 पेड अप, 8 पेड अप। सर इस क्वेश्चन में तो ऐसे याद कर ले हम, जो ₹10 वाला शेयर था ₹10 वाले, नहीं हमेशा फोकस कॉन्सेप्ट पर लगाओ, 300 × 10 ₹3,000 आएगा फुल्ली वेडअप से, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 10 का शेयर 8 का बिका, देखो शेयर कितने वाला था, 10 वाला, बिका कितने का, 8 का, तो ₹2 का लॉस हो गया, 300 × 2 ₹600 का। बीन 300 शेयर्स रीइशूड एट 8 हूज वैल्यू इज ₹10, या कॉल्ड अप वैल्यू लिख लो, सर से कॉल्ड अप वैल्यू होती थी, यहाँ पेड अप के नाम से क्यों दर्शा रहे हैं इसे, इसका नाम जब कॉल्ड अप होता है शेयर कैपिटल तो अक्सर कॉल्ड अप आता है, ये पेड अप करके फुल्ली पेड, गाइस इन्होंने थोड़ा सा एग्जैक्टली नाम को थोड़ा सा वेरियंस दिया है। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या सर, अब हम करेंगे गलती, गलती कैसे, हम 2800 में से ₹600 माइनस करेंगे और ₹2200 का कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे, क्या हम ऐसी गलती करेंगे, नहीं सर, हमें एंट्री तो पता है, एंट्री तो यही बननी है शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री तो हमारी यही बननी है, कौन सी, शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बट ये 400 शेयर का प्रॉफिट है और ये 300 शेयर का लॉस है, ये 400 शेयर का प्रॉफिट है और ये 300 शेयर का लॉस है, 400 शेयर का प्रॉफिट जो है कितना रुपया है, ₹7 पर शेयर, 2800 डिवाइड बाई 400 इंटू करेंगे 300 का, तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा, 2100, 2100 में से ₹600 का जाएगा लॉस, तो ये आएगा ₹1500। गाइस सबसे पहले बात याद रखनी है, शेयर फॉरफिट किए 400 और रीइशू किए 300, यहीं पर कहानी सेट हो जाएगी कि ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड, वी हैव टू रिड्यूस द प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली,
वी हैव टू रिड्यूस द प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली, और तब आप उसको ट्रांसफर करोगे आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑन रीइश्यू। बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। वर्किंग नोट थोड़ा सा हम पीछे फॉर्मूला पे जस्ट दे रहे हैं ताकि हम जो कर रहे हैं वो सही हो ऑलवेज। किस तरीके से प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, कैसा फॉर्मूला था, अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जो कि ऑलवेज ज़्यादा होंगे रीइशूड से अगर होंगे तो, इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स। फॉर्मूला तब लगाना है जब शेयर फॉरफिट ज़्यादा हुए हों और रीइशूड कम ही हुए हों। तो प्रॉफिट क्रेडिटेड इन फॉरफिचर अकाउंट कितना है 2800, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं 400, इंटू कितने करना है 300। तो 2800 डिवाइड बाई 400 इंटू 300 2100 रुपये आएगा आपका प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल, वो प्रॉफिट ऑफ अमाउंट प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। फिर 2100 में से 600 रुपये का लॉस माइनस कर देंगे, 1500 रुपये आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट टू। अभी पार्ट थ्री और पार्ट फोर और रह गए, उनको और साथ साथ हम निपटा देते हैं। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली कॉल्ड। इस बार सी लिमिटेड ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कितने किए हैं 700 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड। तो मतलब शेयर कैपिटल सर कितने रुपए से डेबिट होगा 7000 रुपए से। शेयर कैपिटल कितने रुपए से डेबिट होगा दोस्त 7000 रुपए से। हैज पेड एप्लीकेशन 3 एंड अलॉटमेंट 2 पर शेयर। इस बार हमें उल्टी जानकारी दे रहा, पहले बोला था जो नहीं मिले हैं उनके बारे में, इस बार बोला 3 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट के। तो हमें किस अकाउंट की जानकारी दे रहा है, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की। कैसे आ जाएगा 700 इंटू 3 और 2 5 3500 रुपए आपके आ गए किसमें, शेयर फॉर फ्यूचर में। तो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा आपका 2 शेयर। देखो क्या मांगा, क्या मिला और क्या नहीं मिला, 2 शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट 3500 रुपये। आसानी से बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या मिला क्या क्या मांगा क्या मिला और क्या नहीं मिला 700 शेयर्स का। बीन 700 शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑफ रुपीज 10। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर का। अब रीइशू कितने करें, इसमें 300 शेयर रीइशू एज फुल्ली पेड एट द रेट 7 पर शेयर। सिर्फ 300 शेयर हमने रीइशू करे, सिर्फ 300, मतलब फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा सर, लगेगा 300 इंटू 7 का, 300 इंटू 7 सर। फुल्ली पेड कहाँ जाएगा शेयर कैपिटल में, और एट द रेट वाला कहाँ जाएगा बैंक अकाउंट में, ऐसा आपने वीडियो में कई बार बोला। 2 शेयर कैपिटल में जैसा था वैसा बेचा, शेयर कैपिटल में मैक्सिमम अमाउंट कितना आ सकता है 10 रुपये का, मतलब फेस वैल्यू 300 इंटू 10 3000। तो बाकी का बैलेंस कहाँ जाएगा सर, ये लॉस हो गया, ये जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट में 900 रुपये। बीन 300 शेयर्स वर रीइशूड एट 7 पर शेयर, 300 शेयर्स वर रीइशूड एट 7 पर शेयर। कैसे यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी। अब सर एंट्री तो बनेगी, एंट्री तो याद है हमें, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पर जो अमाउंट है वो 3500 माइनस 900 नहीं, 3500 700 शेयर का प्रॉफिट है और 900 300 शेयर का लॉस है। तो पहले इसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करो, कैसे करेंगे सर हमें आता है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं बार बार, 3500 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 300 1500 रुपये प्रॉफिट आपका 300 शेयर का, और 300 शेयर का लॉस कितना है 900 रुपये। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 600 रुपये। करके दिखा दूँ एक बार, ये 1500 रुपये प्रॉफिट आया, माइनस कर देंगे लॉस ऑन रीइशू। सर एक चीज़ है ना, एग्जाम्पल बोल दो ना एक बार,
₹10 की, ₹100 की 10 डेयरी मिल्क, तो तीन कितने की टाइप, उसी टाइप का तो बोल रहे हो आप। बींग प्रॉफिट ऑन रीश फॉरफिटेड ट्रांसफर्ड कैपिटल के साथ, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बहुत सिंपल सिंपल से, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट 5 और 6 को बिल्डअप कर रहे हैं बहुत बेस्ट तरीके से, बस फोकस बनाए रखना। पॉइंट नंबर 4, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। इस बार कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे मांगे थे वैसे। ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹83 पर शेयर। आगे की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सिर्फ फॉरफिटर की एंट्री पहले करना है, सही करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना आएगा दोस्त, 100 शेयर है, एक शेयर की कीमत ₹10 है, जिसके पूरे पैसे मांगे गए हमने, ₹10 मांगे तो पूरे। अब या तो कुछ मिले होंगे या तो कुछ नहीं मिले होंगे, तो जो मिले होंगे वो फॉरफीचर में जाएगा और जो नहीं मिले होंगे वो कॉल सिनेरियो में जाएगा। आपको किसकी जानकारी दी है, हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी एट द रेट ₹3 पर शेयर। आपको सिर्फ जानकारी दी है आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट की, कि जो पैसा मिल गया है वो कितना है, वो सिर्फ 300 है, जो नहीं मिला है वो कितना है फिर 700। वो 1000 शेयर नहीं है, वो 100 शेयर नहीं है, 1000 शेयर है, एक एक जीरो बढ़ जाएगा, 3000 शेयर फॉरफीचर में और ₹7000 कॉल्स इन एरिया में। बींग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ ₹10 ईच। अब क्या करेंगे हम, आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 10.5 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अगेन मुझे बताओ दो अमाउंट दिए, फुल्ली पेड अप कहाँ में जाएगा, बैंक में या शेयर कैपिटल में। सर फुल्ली पेड अप ₹10 वाला शेयर है ये, कि हमेशा शेयर कैपिटल में ही जाएगा। फुल्ली पेड अप हमेशा कितने किस में जाएगा दोस्त, शेयर कैपिटल में। कितने रुपए की बात कर रहा है, 600 शेयर है तो हमेशा रीइशू कितने से होगा, 600, 600 × 10 आ जाएगा इधर ₹6000, 600 × 10.5 आ जाएगा इधर, दैट इज 6300। तो इस बार पैसा ज़्यादा आया और शेयर कम के बिके, मतलब शेयर फॉरफ्यूचर का लॉस नहीं है। यहाँ है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ₹300 से। बीन 600 शेयर्स रीइशूड एट 10.50 पर शेयर, 600 शेयर्स का रीइशूड एट 10.50 पर शेयर। अब एंट्री तो सब बच्चों को आती है, कौन सी बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पर अमाउंट कितना आएगा, 3000 में से कुछ भी ना घटाऊं, कुछ भी ना, मतलब सर कुछ भी पैसा यहां पर लॉस का नहीं है, पर सर 3000 जो पैसा है वो 1000 शेयर्स का है और हमने तो सिर्फ 600 शेयर रीइशू करे हैं, तो आप प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा। 3000 अगर 1000 का है तो 600 का कितना प्रॉफिट होता है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ₹1800 प्रॉफिट होता है, ₹1800 प्रॉफिट होता है। तो ये ₹1800 आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में। यहाँ तक कितने बच्चों को बात बड़े प्यारे से आसानी से समझ में आ रही है, सर बहुत आसानी से समझ में आ रही है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व वाली, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे किया हमने, 3000 अगर 1000 शेयर्स का प्रॉफिट है, 1000 की बात चल रही है सारी, फॉरफिट कितने हुए थे दोस्त 1000, रीइशू कितने हुए सिर्फ 600, लॉस कोई है नहीं तो कुछ घटाने की जरूरत नहीं पड़ी। 3000 / 1000 × 600 अमाउंट क्रेडिट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, याद करो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इंटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स, एक ही फॉर्मूला बार बार लगाया जा रहा है। 3000 / 1000 × 600 ₹1800 का प्रॉफिट, क्योंकि कोई लॉस नहीं है तो कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 तक। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, क्वेश्चन को फॉरफिटेड फॉरफीचर को और रीइशू वाले कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन और मजबूत बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आराम से करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर ये बोल रहा है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ अशोक ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। 700 शेयर फॉरफिट करने हैं मिस्टर अशोक के, जिनका वैल्यू तो ₹10 है पर हमने सिर्फ ₹8 मांगे। तो आपको पता है शेयर फॉरफीचर के टाइम पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है,
वो कि 10 रुपए से ना करके हम कितने रुपए से करेंगे, सिर्फ 8 रुपए से, ऑन विच ही हैज पेड 5 per share. तो जो पैसा मिल जाता है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाता है, और जो नहीं मिल पाता है वो शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाता है. सबसे पहले आप आराम आराम से, एंट्री तो सब बच्चों को याद हो ही गई होगी, बात सारी अमाउंट की है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 700 × 10 7000 से, या 700 × 8 5600 से. सर इतना कंफ्यूज मत करो, हमें याद है 5600 से, बड़ा बड़ा अक्षरों में 3-3, 4-4 बार लिखा था. कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट, वो पैसा जो हम मांगते हैं. पिछले क्वेश्चन में हमेशा 10-10 दिया था, तो हम 10 से इंटू करते थे, वहां 8 जैसी कोई चीज नहीं दी थी. इसके बाद बात करते हैं टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की. 5 रुपए पे करें इन्होंने, 700 × 5 3500 रुपए आएंगे कहां पर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पे, और जो पैसा नहीं मिला है वो आएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. 700 × 8 5600 रुपए, ऑन विच ही हैज पेड 5 per share. 5 per share जो पे किया है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, जो पे नहीं किया है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. बीइंग 700 shares forfeited of ₹10 each whose called up is ₹8. जिसकी वैल्यू तो 10 रुपए है बट कॉल्ड अप सिर्फ 8 रुपए, तो हम सिर्फ 8 रुपए से ही डेबिट करते हैं. व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड बिफोर फाइनल कॉल, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड हुज फेस वैल्यू हुज कॉल्ड अप इज लेस देन फेस वैल्यू, कुछ इस टाइप की बातें आपको दिमाग में याद आ रही होंगी. नेक्स्ट एंट्री मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं, आप बताना कौन सी चीज कहां आएगी और कैसे आती है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सर शेयर फॉरफिचर डेबिट क्यों नहीं किया, सर टू सिक्योरिटीज में क्रेडिट क्यों नहीं किया, वो हम देखकर क्वेश्चन को करेंगे. आउट ऑफ दिस 500 शेयर वाली इशू, तो कहानी सारी किस पर टिक जाएगी दोस्त, 500 शेयर की. और हमारे दिमाग में तुरंत क्विक चलना चाहिए, शेयर फॉरफिट तो हुए 700 बट रीइशूड हुए सिर्फ 500, तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा. फॉर्मूला कौन सा सर, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है इस प्रॉफिट को, प्रोपोर्शनेटली, वर्ड समझ में आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है. शेयर्स प्रॉफिट 700 का है पर हमें प्रॉफिट 500 का लेकर आना पड़ेगा. 500 शेयर फॉर रीइशू फॉर 9 per share, 500 शेयर जो रीइशू है वो 500 × 9 4500 रुपए के हुए. और वर्ड है शेयर भले ही 8 वाला था, वो आपने फॉरफिट भले ही 8 पर किया था, पर आप बेचते समय उसे क्या पॉलिश कर फुल्ली पेड अप बना रहे हैं. उसे याद करो जैसा था वैसा बेचा या फुल्ली पेड अप कर दिया, सर फुल्ली पेड अप कर दिया. 500 × 10 5000 रुपया, और यहां आएगा डिफरेंस में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 500 रुपए से. 4500 का बैंक अकाउंट डेबिट, 500 रुपए का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा दोस्त, 5000 रुपए से. बीइंग 500 shares वर रीइशूड एट 9 per share ऑफ ₹10 each, 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए का इशू कर दिया गया है. रीइशूड एट, याद करो रीइशूड के पास जो अमाउंट होगा वो कहाँ आएगा, बैंक में. फुल्ली पेड अप, तो बेटा फुल्ली पेड अप 8 पेड अप 7 पेड अप हमेशा कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल की तरफ इशारा करते हैं. अब हम फोकस करेंगे किस पर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. पहले गलत करने की कोशिश करेंगे, गलत कैसा होता है सर, 3500 में से 500 घटा तो 3000 आएगा, पर वो सही नहीं माना जाएगा. क्यों, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का जो प्रॉफिट है 3500 रुपए का जो प्रॉफिट है हमारा वो है 700 शेयर्स का, बट हमें जब रीइशू किए गए तो 500 शेयर्स करे गए, तो 500 शेयर्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. एक तरफ वही फॉर्मूला है सेम, कैसा वाला, अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इंटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स. 3500 रुपए का प्रॉफिट है कितने शेयर्स पर दोस्त, 700 शेयर्स पर, तो 500 शेयर्स पर कितना होगा, 2500 रुपए का. 500 शेयर्स पर कितना होगा, 2500 रुपए का. 500 रुपए का लॉस डिडक्ट कर देंगे,
तो 2,000 रुपये आ जाएगा आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है सेम, बस बार बार एंड में हमें काम वही करना है कि प्रॉफिट में से लॉस घटा देना। ख्याल ये रखना है, अगर सारे शेयर रीइशू हुए तो डायरेक्ट घटा दो, और सारे शेयर रीइशू नहीं हुए तो उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करो। बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करो, देन आप उसको आगे लेकर जाएंगे। 38 के बी में क्या लिखा है दोस्त, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 400 शेयर फॉरफिट करें 10 रुपये वाले, जिसका कॉल्ड अप 6 रुपये है, तो आपको 400 × 10 करना है या 400 × 6 करना है। सर हमें कन्फ्यूज मत करो, हमें आता है, हमें शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट करना होता है वो कॉल्ड अप अमाउंट से करना होता है। 400 × 6 करेंगे हम, 2400 रुपये से डेबिट। जो पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर में जाएगा, और जो मिल गया है वो शेयर फॉरफिचर। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, तो शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाएगा आपका कितने रुपए दोस्त? सर जितने शेयर है उसका इंटू हो जाएगा 2 रुपये में, 600 × 400 × 2 ₹800। और बाकी बचा हुआ जाएगा मेरा फेवरेट अकाउंट में, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, 2400 में से 800 गए, ₹1600। बीन 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ ₹10 एंड कॉल्ड अप इज ₹6। आफ्टर दैट रीइशू करते समय बैंक अकाउंट करेंगे हम डेबिट, और शेयर कैपिटल करेंगे हम क्रेडिट। दो बातों का ख्याल रखना है, अमाउंट दिया होगा मैं कंफ्यूज करने के लिए कौन सा बैंक में और कौन सा शेयर कैपिटल में। आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर इमीडिएटली रीइशूड एट 5 पर शेयर। सर या तो दो कुछ नहीं, फुल्ली पेड अप कुछ नहीं, 300 शेयर रीइशूड हुए, मतलब सबसे पहली बात 400 नहीं हुए 300 हुए, प्रॉफिट को प्रोपोर्शनली रिड्यूस करना पड़ेगा। 300 शेयर वन इमीडिएटली रीइशूड एट 5 पर शेयर, 300 शेयर रीइशूड एट। सर ये क्या हो गया, आपने क्या लगा रखा रीइशूड एट? सर वही वाला वर्ड याद रखना, 300 × 5 आएगा ₹1500। अब मेरा वो कौन सा फेवरेट बच्चा है वो ये बता पाए कि यहाँ शेयर कैपिटल में मैं, यहाँ शेयर कैपिटल में मैं 300 × 6 करूँ या 300 × 10 करूँ? सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये शेयर कौन सा वाला है? 6 रुपये वाला। ये शेयर कौन सा वाला है? 10 वाला, जिसकी कॉल्ड अप 6 थी। मैं 300 × 6 करूँ या 300 × 10 करूँ? सर 300 × 6 करूँ। क्यों क्यों? शेयर कौन सा वाला था? 6 रुपये वाला, 10 वाला 6 के तरीके से फॉरफिट किया था, 6 रुपये तक मांगा फिर फॉरफिट कर लिया गया, उसी तरीके से बेचेंगे क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, जैसा था वैसा बेचा, कुछ नहीं लिखा होगा तो जैसा था वैसा बेचा। सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, बस अब छोटी छोटी बातें, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। लगाओगे तो बस सही हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं लगाना चाहोगे तो बस गलत हो जाएगा। आपको मन तो कर गया होगा कि हाँ सर मैं क्वेश्चंस करने लायक हो गया। बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड, तो नहीं नहीं सर, रीइशूड एट 5 पर शेयर, 5 रुपये का 1 शेयर मिलेगा। देन करेंगे हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 1600 − 300, 1600 − 300, 1300। सर कैसे करते हो आप, इतनी बार गलती कौन की करता होगा? हमें सिखा के आप खुद क्यों भूल जाते हो? 1600 सर 400 शेयर का प्रॉफिट है, हमें प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा। हम 1600 / 4, यहाँ 1200 रुपये का आएगा प्रॉफिट। अब घटा दो आप लॉस, अब घटा दो आप 300 का लॉस, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा मेरे बच्चे? 900 रुपये। बात समझ में आ रही है? सेम टू सेम एस्पेक्ट, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को सेम एक ही पार्ट में करता रहा हूँ ताकि आप जब जब बैठे रिवाइज कर लें। बीइंग शेयर फॉरफिटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, बहुत सेम सेम मजेदार क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर वर नॉट रिसीव द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ सर ने नॉट बीन कॉल्ड। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कॉल्ड अप क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो आपसे मैंने बोला ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सबसे पहले बोलता हूँ सर, एंट्री तो हमें याद हो गई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 300 × 100 करूँ
मैं 300 × 70 करूँ या 300 × 60, सर क्या मजाक है। देखो कुछ नहीं लिखा होता तो हम 300 × 100 करते थे जैसे पहले क्वेश्चन में लिए, बट बोल रहे द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 30 पर शेयर वॉज नॉट बीन कॉल्ड, मांगा ही नहीं है ये पैसा। मतलब इस बार आपको उल्टी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, शेयर 100 वाला है इसकी 30 रुपये की कॉल अब तक मांगी नहीं गई है, तो सिर्फ कितने पैसे मांगे आपने, सिर्फ 70 रुपये मांगे, तो 300 × 70 होता है 21,000 रुपये। देन टू शेयर कॉल्स इन एरियस और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 300 × 100 में से 30 गए 70 रुपये, 20 रुपये पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। देखो सबसे पहली बात आपको 100 रुपये का शेयर था, आप डेबिट 100 करते अगर कोई जानकारी नहीं होती, यहाँ जानकारी क्या है 30 रुपये मांगे ही नहीं है, हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, मांगे नहीं है तो मांगे कितने सिर्फ 70 रुपये, 20 रुपये मिले नहीं है, तो 300 × 20 कितने होते हैं 6,000 रुपये, ये मिले नहीं है। शेयर फॉर फ्यूचर में कितने मिले 15,000, कॉल से रेडियो में कितने नहीं मिले 20 रुपये, लिखा ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड बीन 300 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ 100 ईच हुज कॉल्ड अप इज 70 पर शेयर, 300 × 70 21,000। अब बात करते हैं आगे की, आउट ऑफ दीज 300 शेयर वर रीइशू, सबसे पहले बताओ पूरा रीइशू हो रहा है या पूरा रीइशू हो रहा है या कुछ कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है तो यहाँ याद रखने के लिए हम डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 200 शेयर करना पड़ेगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब सर अमाउंट चुनने वाली बारी आ गई, शेयर हमारा कौन सा है 70 रुपये वाला, शेयर हमारा कौन सा है 70 रुपये वाला, कुछ नहीं लिखा होगा तो हमने कौन सा वाला बेचा होगा 70 वाला, फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो कितने वाला बेचा होगा 100 वाला। अरे सर जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, 200 शेयर वर री इशूड एज 70 पेड अप, अगर यहाँ फुल्ली पेड अप लिखा होता तो आप कितना ले जाते शेयर कैपिटल में सर 100 या 70 पेड अप, यानी शेयर कैपिटल में कितना आएगा 70, 4 रुपीज 55 शेयर पर शेयर, तो सर 55 यहाँ आएगा और 70 यहाँ आएगा, आप यही तो बोलना चाह रहे हो, बस समझ गए यार तुम लोग होशियार बच्चे हो, कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है, बात तो फिर मेरी है खुशी तो बस साथ है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सबसे आसानी से बात समझना, या दो अमाउंट दिए बेटा, एक 70 और एक 55, आपका शेयर कौन सा है 70 रुपये वाला, पहला दिमाग वहीं लगाना कि शेयर कैपिटल में अक्सर 70 आएगा या फिर 100 आएगा फुल्ली पेडअप, बट फुल्ली पेडअप की जगह लिखा 70 पेडअप, अरे पेडअप करके कन्फ्यूज क्यों करता है, कॉल्ड अप लिख दिया करें, नहीं लिख रहा उसका मन है, उसका मजा है इसमें आपको कन्फ्यूज करने में, 200 × 70 ये शेयर कैपिटल में आएगा और 4 रुपीज 55 का बेचा है, सर ये देख लें जी कम वाला इधर, नहीं बेटा चाहे कम हो या ज़्यादा हो ये पेडअप वाला शेयर कैपिटल की तरफ इशारा करेगा और एट द रेट री शूड एट ये 4 रुपीज ये बैंक अकाउंट की तरफ इशारा करेगा, लॉस कितना हो गया आपका 3,000 रुपये का बीम, शेयर थे आपने फॉरफिट किए थे 300 रीइशू करे 200, तो बीइंग 200 शेयर्स रीइशूड एट 55 उस कॉल्ड अप इज 70 पर शेयर, मैं इस बात समझ में आ रही है जी। नेक्स्ट एंट्री मुझे कौन बच्चा बताएगा, सर ये भी कोई पूछने वाली एंट्री है, सर ये भी कोई पूछने वाली एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000 में से 3,000 डाल दो 12,000 रुपये, अरे इस बेवकूफ बच्चों कितनी बार बताऊं, नहीं नहीं हम नहीं है सर बेवकूफ, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 15,000 जो प्रॉफिट है वो कितने शेयर्स का है 300 का, आपने कितने रीइशू करे हैं 200, तो प्रोपोर्शनेटली क्या करना पड़ेगा रिड्यूस, अगर ये वीडियो जिस बच्चे ने कर ली बिना कॉन्सेप्ट की बहुत कुछ सीख जाएगा, वो कॉन्सेप्ट करने के बाद तो बात ही अलग है, तो ये कितना प्रॉफिट आएगा बेटा 10,000 रुपये, आपका लॉस कितना होगा मेरे बच्चे 3,000 रुपये, 7,000 रुपये का क्या होगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एंड का कॉन्सेप्ट बेटा सेम ही है, प्रॉफिट में से लॉस ही घटाना है, होगा लॉस तो घटेगा नहीं होगा तो नहीं घटेगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।
लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में करा दिए गए हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया कर लेना, ताबड़तोड़ वीडियो है, दमदार वीडियो है, जिसकी इतनी तारीफ करूँ उतनी कम है, ठीक है। मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं और मुझे भी लगता है कि उस वीडियो में रियल में कुछ दम है। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो आप रियल में जीनियस हो, और मुझे खुशी है इस बात की। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि शेयर वाला चैप्टर है, तो वीडियो को भी शेयर करना बनता है आपका। लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर होती रहेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, हैव ए सेफ दिवाली।